जी मैं आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर ग्रेवी विद शिमला मिर्च। उसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ज़्यादा कड़वा नहीं होता, 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इस तरह से कट कर लिया है इसको। मैंने 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 शिमला मिर्च डालेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1/2 कप के करीब ऑयल डाल देंगे, हल्का सा इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद प्याज को इसमें मैं गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसको निकाल कर इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज के साथ ही ब्राउन हो जाने पर प्याज मैं एक टमाटर भी इसमें मिक्स कर दूँगी। उसके बाद प्याज टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई, अब इसमें टमाटर ये जो कट किए थे स्मॉल साइज का वो मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा चला लेंगे, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, कच्चापन भी टमाटर का चला जाए। उसके बाद प्याज और टमाटर को निकाल लेंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए, इनको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसी पैन में मैं दोबारा तेल डाल दूँगी। मैं पनीर फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो पनीर को हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, बिना फ्राई किए बना रही हूँ। गरम हो गया, अब इसमें सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने लो कर दिया, अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट तक भून लेंगे। इसको 1 मिनट भूनने के बाद बाकी मसाले इसमें मिक्स कर देंगे। लहसुन भूनने के बाद इसमें मैंने जो बाकी मसाले रखे हैं डाल दे रही हूँ। हल्का सा पानी इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए इन सारे मसाले को भून लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है। हल्का सा पानी, सारे मसाले को भूनने के बाद ये प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया है वो मिला देंगे। इसके बाद इन सारे मसालों को 10 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। अगर आप जल्दी चाहते हैं तो हाई फ्लेम पे 5 मिनट में ही भून लीजिए मसाले को। मैं मीडियम टू लो रख रही हूँ, हल्का सा पानी भी डालूंगी इसमें। मसाला पूरी तरह से भून चुका, मैं शिमला मिर्च इसमें 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला था जो कड़वा नहीं होता है। 30 सेकेंड के लिए इसको भी चला लेंगे हल्का सा मसाले में। उसके बाद इसमें पनीर मिला देंगे, मैंने कच्ची ही पनीर यूज़ की, फ्राई नहीं की। तीस सेकेंड के लिए मसाले में पनीर को भी हल्का सा चला लेंगे। इसमें 1/2 कप के करीब पानी मिक्स कर देंगे, सॉरी 1/2 कप नहीं, 1/2 गिलास। उसके बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट बाद पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, अब इसमें धनिया की पत्तियाँ डालकर सर्व करेंगे। यम्मी और टेस्टी पनीर ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।